हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। चलिए एक्सरसाइज 2.3 पर आते हैं। एक्सरसाइज 2.3, इसमें करना है क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन। सॉल्व करवाने वाले को फ्लोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। और रिजल्ट क्या करना है आपको, चेक करना है जो आंसर आपका है वो सही है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 3x = x + 18। यहाँ पर लिखिए 3x, इस 2x को उस साइड ले जाइए, -2x इक्वल में क्या आ जाएगा, 18। यानी कि इक्वल के उस साइड में x है जिनके साथ अल्फाबेट होता है उनको एक तरफ, बगैर अल्फाबेट वालों को एक तरफ। 3x में से 2x गया, कितना आ गया, x, इक्वल में क्या आ गया, 18। चेक करना है आपको, तो चेक में हम क्या करेंगे, वापिस से वही इक्वेशन लिखो, 3x इक्वल में क्या है, 2x + 18। भाई चेक का आंसर में क्या करना है आपको, दोबारा से जैसे ही x का आंसर आ गया फिर से वही इक्वेशन जो आपका क्वेश्चन था उसको राइट डाउन करिए चेक लिख के। यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या कर देता हूँ, पुट, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू पुट करिए भाई। x की जगह क्या है, 18 है, यहाँ पर x की जगह क्या आएगा, 18 आएगा, प्लस में क्या है, 18 है। ठीक है, तो 18 3 कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। यहाँ पर 36 + 18 आ जाएगा 54, इक्वल में क्या आ जाएगा, 54। अगर ये इक्वल है तो हमारा आंसर सही है, चेक हो जाएगा। ये साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए भाई। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, तभी आपका आंसर सही माना जाता है। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू निकालोगे, चेक करने के लिए क्या करोगे, दोबारा से क्वेश्चन में क्या करोगे, पुट करोगे वैल्यू एक्स की, फिर आपका आंसर आएगा, तो उसकी वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए स्टूडेंट्स। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर, ठीक है ना, कौन से क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है क्या कि 2 हमारे पास है कि 5t - 3 इक्वल में क्या है, 3t - 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 5t - 3 इक्वल में 3t - क्या है, 5 है। तो अल्फाबेट क्या है हमारे पास, टी है, तो टी जिसके साथ है उसको एक साइड कर लेते हैं, जिसके साथ अल्फाबेट है, जिसके साथ कुछ भी नहीं है ओनली डिजिट है उनको एक तरफ करते हैं। तो 5t आ जाएगा, उस साइड से -3t ले आइए, -5, ये -3 उस साइड जाएगा, +3 उस जाएगा, तो 5 में से 3 गई 2t, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा भाई। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, -2, t = -2/2, कैंसिल होके आंसर क्या आ गया, -1 आ गया, क्या आ गया, -1। इसको चेक कर दीजिए स्टूडेंट्स, बस क्या करना है, चेक, चेक में क्या करना है हमारे को, दोबारा से इक्वेशन लिखिए, 5t - 3 इक्वल में क्या है, 3t - 5 है। तो टी की वैल्यू मेरे पास -1 आई है, तो -1 यहाँ पर पुट कर देते हैं हम। ठीक है ना, चेक पे कुछ नहीं करना, जो आपने वैल्यू निकाली है वही निकालनी है बस। ठीक है ना स्टूडेंट, जो वैल्यू आपकी निकली है वही आपको पुट आउट करनी है। 5 - 3 करेंगे तो -5 आ जाएगा, यहाँ से -3 हो जाएगा, यहाँ से -3 - 5, ये कितना हो जाएगा, -5 और -3 -8, -3 और -5 -8, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड के। तो ये चेक आउट हो गया आपका कि आपका जो आंसर है वो सही है। ठीक है ना स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 आपके पास क्या है, 5x + 9 इक्वल में क्या है, 5 + 3x है, 5x + 9, 5 + 3x, जिसके साथ में x आया हुआ है उसको एक तरफ करिए, अल्फाबेट है ये। ठीक है, जिसके साथ में कुछ भी नहीं है तो उसको एक तरफ रखिए भाई। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा मेरा, 5x, 3x को इस साइड ले आओ भाई। ठीक है ना, 5 इस, ये ओनली डिजिट है तो उसको उस साइड ले जाओ। तो अब जिसके साथ x और अल्फाबेट, यानी डिजिट और अल्फाबेट को एक साइड में, ओनली डिजिट को एक साइड। अब 5x में से 2x, पीछे वाला जिसका सेम होगा, ये एक्स एक्स होगा, वाई वाई होगा, वो आपस में क्या होंगे, प्लस माइनस होंगे। 5x में से 3x 2x, यहाँ से कितना आएगा, -4, x = -4, ये मल्टीप्लाई में ना 2, ये डिवाइड में चला जाएगा भाई, 2 2 ज़ा 4, -2। चलिए चेक करते हैं, क्या करते हैं, चेक, 5x + 9, 5 + 3x, -2 + 9, 5 + 3,
माइनस टू, माइनस टेन, प्लस नाइन, फाइव, माइनस सिक्स भाई, थ्री टू ज़ा सिक्स, टेन में से नाइन गया, माइनस वन बचेगा, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस वन। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी भी, राइट हैंड साइड की आएगी। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, चेक आउट हो गया, क्या हो गया आंसर, चेक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं, बिल्कुल ईजी है ना स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी सम है टोटली। फोर जेड प्लस थ्री है इक्वल में सिक्स प्लस टू जेड है, जिनके साथ जेड है उनको एक तरफ कर लीजिए अभी, फोर जेड इसको इस साइड लीजिए, माइनस टू जेड हो जाएगा, प्लस था इस साइड माइनस हो गया, सिक्स प्लस थ्री को उस साइड माइनस थ्री, फोर में से टू गया टू जेड आ जाएगा, सिक्स में से थ्री गया थ्री आ जाएगा भाई, जेड ये मल्टीप्लाई में है टू, जेड के साथ क्या है टू और जेड की मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर, जेड इक्वल क्या हो जाएगा टू मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला जाएगा थ्री बाई टू, आंसर आ गया भाई। चलिए चेक करिए इसको, चेक के लिए क्या कंडीशन है, अगेन क्वेश्चन लिखिए आपका, फोर जेड प्लस थ्री इक्वल में क्या है सिक्स प्लस टू जेड, जहाँ पर जेड आया हुआ है वहाँ पर क्या करना है आपको, थ्री बाई टू फुट करना है भाई, फोर मल्टीप्लाई थ्री बाई टू प्लस थ्री इक्वल में क्या है सिक्स प्लस में टू थ्री बाई टू, टू टू ज़ा फोर सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स, प्लस थ्री इक्वल में सिक्स, टू से टू कैंसिल, प्लस थ्री नाइन इक्वल टू नाइन। लेफ्ट हैंड साइड आपके किसके राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, अगर ये आपका इक्वल नहीं आ रहा है ना, आपने जेड की वैल्यू निकाली कुछ पुट की, अगर ये दोनों साइड इक्वल नहीं आई तो आपका आंसर क्या है रोंग है, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रखी है, फिर क्वेश्चन के अंदर आपको दोबारा से देखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पर आता हूँ मैं, किस पर, क्वेश्चन नंबर फाइव पर, अब तो स्टूडेंट बिल्कुल ही ईजी हैं, साथ साथ होने स्टार्ट हो गए होंगे आपके, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। टू एक्स इसको इस साइड लेकर आओ भाई प्लस एक्स, फोरटीन इसको उस साइड लेकर जाओ प्लस वन, टू और एक्स थ्री एक्स ये फिफ्टीन, एक्स इजिकल टू फिफ्टीन बाई थ्री, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फाइव आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भी फाइव, चेक कर लेते हैं ठीक है ना, एक्स इजिकल टू क्या आया हुआ है फाइव, ठीक है ना, तो एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं, अगेन क्या लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, फोर्टीन माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू पुट करिए भी, टू मल्टीप्लाई फाइव माइनस वन, फोर्टीन माइनस फाइव, टेन माइनस वन, फोर्टीन माइनस फाइव, बताइए भाई यहाँ पर नाइन आ जाएगा और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा नाइन, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के, ठीक है ना, ये आपकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, तभी आपका जो क्वेश्चन है वो क्या माना जाता है राइट माना जाता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर सिक्स पर चलते हैं, एट एक्स प्लस फोर थ्री इंटू एक्स माइनस वन प्लस सेवन, चलिए भाई एट एक्स प्लस फोर थ्री के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होनी है भाई, थ्री एक्स माइनस थ्री प्लस सेवन, तो एट एक्स प्लस फोर थ्री एक्स इक्वल है ये, यहाँ पर माइनस थ्री है प्लस सेवन है भाई, सेवन में से थ्री गए प्लस फोर, अब इसको इस साइड ले आइए भाई, थ्री एक्स को इस साइड ले जाइए, फोर को उस साइड ले जाइए, फोर माइनस फोर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, जीरो को किसी भी डिजिट से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा भाई, क्या आंसर आ जाएगा जीरो। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, चेक में क्या करना है हमारे को, अगेन क्या करना पड़ेगा भाई, अगेन हमारे को क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पर एक्स आया था वहाँ वहाँ पर क्या कर देंगे जीरो पुट कर देंगे, एट की मल्टीप्लाई जीरो के साथ में प्लस फोर थ्री, जीरो माइनस वन प्लस सेवन, चलिए भाई जीरो प्लस फोर यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस थ्री आ जाएगा भाई, जीरो की तो मल्टीप्लाई करूँगा तो जीरो आ जाएगा, थ्री की माइनस वन के साथ माइनस थ्री प्लस सेवन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा फोर इजिकल टू क्या आ जाएगा फोर, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड के, तभी आपका आंसर क्या आएगा राइट आएगा, ये राइट आता है ना आपका आंसर तभी ये इक्वल आते हैं आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ चलते हैं, एक्स इजिकल टू फोर बाई फाइव एक्स प्लस टेन, चलिए अभी फोर बाई फाइव है यहाँ पर ठीक है, यानी कि एक्स प्लस टेन को फोर तो मल्टीप्लाई करवा रहा है और फाइव क्या कर रहा है डिवाइड, क्या कर रहा है डिवाइड, जो डिवाइड है वो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा भाई, फाइव मल्टीप्लाई एक्स इक्वल में फोर मल्टीप्लाई एक्स प्लस टेन, फाइव एक्स
फोर किन दोनों के साथ, फोर एक्स प्लस फोर्टी, इसको इस साइड ले आओ भाई, फाइव एक्स माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू फोर्टी। यहाँ पर x आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। चेक में चलिए भाई, इसको चेक कर लेते हैं। चेक में हमारे को क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू 40 है वो पुट आउट करनी है। x इज इक्वल टू फोर बाई फाइव एक्स प्लस टेन, जहाँ पर x आया हुआ है वहाँ पर 40 रख दीजिए भाई, फोर बाई फाइव, फोर्टी प्लस टेन, ठीक है ना। यहाँ पर 40, फोर बाई फाइव मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 50, फाइव टेन जा 50, 40 इज इक्वल टू 40, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर एट पर चलते हैं। किस पर, क्वेश्चन नंबर एट पर, टू एक्स अपॉन थ्री है प्लस वन है, सेवन एक्स वाई फिफ्टीन है प्लस आपका क्या है, थ्री है, ठीक है ना। आपके पास इसमें दो मेथड हैं, एक तो जो एक्स जिनके साथ है उनको एक साइड, बगैर एक्स वालों को एक साइड, जो हम करते आ रहे हैं उसी पर बात पर रहते हैं भाई। टू बाई थ्री, इसके साथ एक्स था, इसके साथ एक्स है तो इसको इस साइड ले आओ भाई, सेवन बाई फिफ्टीन एक्स, इसको उस साइड ले जाओ भाई, थ्री माइनस वन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका, फिफ्टीन आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा भाई, थ्री में से बन गया टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे फिफ्टीन, फिफ्टीन को सबसे पहले थ्री से डिवाइड करूँगा, तो फाइव फाइव टू जा टेन एक्स, फिफ्टीन को फिफ्टीन से डिवाइड वन, सेवन की मल्टीप्लाई वन के साथ सेवन एक्स, ठीक है ना, कितनी आ जाएगी सेवन एक्स, टेन में से सेवन गए थ्री आ जाएंगे भाई, थ्री एक्स होंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा फिफ्टीन, टेन एक्स में से सेवन एक्स, थ्री एक्स अपॉन फिफ्टीन इजिकल टू टू है आपके पास, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, एक्स बाई फाइव इजिकल टू टू, एक्स इजिकल टू ये क्या था आपका, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में कर देते हैं, टेन आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टेन। चलिए चेक करते हैं भाई, चेक में हमारे को क्या करना है कि टू एक्स अपॉन थ्री प्लस वन, सेवन एक्स अपॉन फिफ्टीन प्लस क्या आ जाएगा थ्री, एक्स आया हुआ है वहाँ वहाँ पर टेन रख लेते हैं अभी, टेन मल्टीप्लाई थ्री, सेवन मल्टीप्लाई टेन अपॉन में फिफ्टीन प्लस थ्री, ट्वेंटी बाई थ्री हो जाएगा ये, प्लस वन ये सेवेंटी बाई फिफ्टीन हो जाएगा, प्लस थ्री इसके अपॉन में वन, इसके अपॉन में वन, एलसीएम ले लेते हैं इसका थ्री, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ट्वेंटी प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से भी थ्री, और यहाँ से कितना आ जाएगा फिफ्टीन एलसीएम, सेवेंटी प्लस कितना आ जाएगा ये फोर्टी फाइव हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी थ्री बाई थ्री, ये कितना हो जाएगा फाइव, ठीक है ना, और यहाँ से कितना आ जाएगा इलेवन, तो इसको कितने से डिवाइड हो जाएगा, ये फाइव से थ्री और ट्वेंटी थ्री, तो ट्वेंटी थ्री बाई थ्री आ जाएगा, ट्वेंटी थ्री बाई थ्री, तो ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के, यानी कि दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन पर आते हैं स्टूडेंट्स। टू वाई प्लस में क्या है, फाइव अपॉन थ्री है, इक्वल में क्या है ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री है, माइनस वाई है, जो वाई है उसको एक साइड कर लो भाई, प्लस वाई इस साइड आ जाएगा आपका, ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री है, इसको उस साइड ले जाओ, माइनस हो जाएगा ये कितने हो जाएंगे ऐड हो गए, थ्री वाई हो जाएंगे भाई, इनका एलसीएम लोगे थ्री हो जाएगा, थ्री को थ्री से डिवाइड करोगे वन आएगा, ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा, यहाँ पर थ्री को थ्री से डिवाइड किया वन आया ना स्टूडेंट, वन को फाइव के साथ मल्टीप्लाई फाइव आ जाएगा, थ्री वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा ये ट्वेंटी वन बाई थ्री हो जाएगा, y इजिकल टू क्या हो जाएगा ट्वेंटी वन बाई में थ्री, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना, सेवन बाई थ्री। चलिए चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है ना, चेक करने में क्या आ जाएगा, टू वाई अपॉन में थ्री इजिकल टू ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री माइनस वाई, तो y कितना आया सेवन बाई थ्री आया है, प्लस में फाइव बाई थ्री है, ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री है, माइनस सेवन बाई थ्री है, ठीक है ना, ये आ जाएगा फोर्टीन बाई थ्री प्लस में फाइव बाई थ्री, यहाँ पर कितना आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री माइनस सेवन बाई थ्री, दोनों साइड क्या कर देते हैं एलसीएम ले लेते हैं थ्री, फोर्टीन प्लस फाइव यहाँ पर थ्री एलसीएम, ट्वेंटी सिक्स माइनस सेवन, तो ये कितना आ जाएगा नाइनटीन बाई थ्री, और ये कितना आ जाएगा नाइनटीन बाई थ्री, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी आपकी, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी स्टूडेंट्स। चलिए एक्सरसाइज के लास्ट नंबर आते हैं टेन पर भाई, थ्री एम इक्वल में क्या है फाइव एम
माइनस क्या है 8/5 है स्टूडेंट, क्या है 8/5 है। तो अब इसको m को इस साइड ले आता हूँ भाई, 3m माइनस 5m इक्वल में माइनस 8/5 आ जाएगा, आ गया ना बच्चों 3m माइनस 5m माइनस 8/5। चलिए 5m में से 3m गया, कितना आएगा माइनस का 2m आएगा भाई, कितना आएगा माइनस का 2m आएगा, इक्वल में क्या है माइनस 8/5 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2m इजिकल टू 8/5 आ गया, m इजिकल टू क्या हो जाएगा 8/5 है। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आता हूँ इसको, 2 4 8, 4/5 आ गया बच्चों। लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। m इजिकल टू 4/5, 3m। चेक कर लेता हूँ, मेरे को चेक में क्या करना है, सभी क्वेश्चंस में चेक में हमारे को दोबारा से क्वेश्चन लिखना होता है, और जो वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं वो दोबारा से क्या करनी है, अगेन पुट करता हूँ 4/5, तो 3 × 4/5 इक्वल में क्या आ जाएगा 5 × 4/5। जहाँ जहाँ एम था वहाँ वहाँ मैंने 4/5 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ मेरे पास एम था वहाँ पर 4/5, 4 × 3 = 12/5, 5 से 5 कैंसिल, 4/1 माइनस 8/5, यहाँ से 12/5 है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या है 12/5 है, यहाँ से एलसीएम लीजिए 5 5 4 = 20 माइनस 8, यहाँ से 5 1 = 5 5 4 = 20 5 1 = 8 12/5 इजिकल टू क्या है भाई 12/5। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड की, हैंस प्रूफ। तो इस प्रकार से हमारे को ये चेकआउट करने थे, और इस प्रकार से आपके ये क्या थे टोटल सम थे। तो एक्सरसाइज आपकी 2.3 कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे 2.4। थैंक यू।